दर्जी हर गांव हर शहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे रोटी, मकान और शिक्षा व्यक्ति की बुनियादी आवश्यकताएं हैं, वैसे कपड़ा भी आवश्यक है। इन आवश्यकताओं को यहाँ के मूल निवासी बहुजन समाज ने समझा और अपने खून पसीने से निर्माण किया। उसने अनाज पैदा किया, लोग भरपेट खाने लगे, लेकिन वो भूखा सोता रहा। वो अपने हाथों से आसमान को छूने वाले मकान बनाता है, किंतु वही आसमान के नीचे खुली हवा में सोता है। वो अपने कष्ट और लगन से सूत से लेकर मखमल के कपड़े बनाता है, किंतु बदन ढकने के लिए उसके पास कोई कपड़ा नहीं। किसी ने खूब कहा, सींचा था उसने हर एक पौधे को, अफसोस उसी के लिए कोई फूल नहीं है। ये कथन दर्जी के लिए बनाया गया ऐसा लगता है। यह एक ऐसा तबका है, दुनिया ने इसे बेदखल कर दिया है। इस फैशन की दुनिया में दर्जी का दर्द कोई नहीं जानता। वैसे ये धंधा अन्य धंधों की तुलना में आसान है। कम जगह पर और कम लागत लगाकर इसे चलाया जा सकता है। कुछ साल पूर्व ये व्यवसाय जातिगत था। जब पूंजीपतियों ने इस व्यवसाय को शुरू किया, तब समस्या बढ़ती गई। जैसे चमड़े का धंधा बाटा जैसी कंपनी करने लगी, लेकिन गांव, शहर, मोहल्ले, नुक्कड़ पर चमड़े का धंधा करने वाले अछूत ही कहलाते हैं। ऐसे जाति व्यवस्था का अनोखा रूप यहां देखने को मिलता है। इसी व्यवस्था की चपेट में दर्जी भी आया है। महाराष्ट्र में दर्जी को शिंपी भी कहा जाता है। वैसे अन्य राज्यों में अलग अलग नामों से इसे जानते हैं। कम लागत और कम जगह पर यह धंधा कर सकने के कारण खासकर महिलाएं इस काम की ओर आकर्षित हैं। उन्होंने इसे अपने जीवन यापन का महत्वपूर्ण साधन माना है। मैं सिलाई काम 22 साल से कर रही हूँ। सिलाई काम में ड्रेस, ब्लाउज, डिज़ाइन के ब्लाउज ये सब सिलती हूँ। दिन में कम से कम 5-6 ब्लाउज निकाल लेती हूँ। मेरे घर के सेंटरिंग का काम करते हैं, उनको सपोर्ट के लिए मैं ये सिलाई काम करती हूँ। और इसमें हम लोग बच्चों को पढ़ाए वगैरह। हा बिझनेस
10 वर्षापासून करत आहे आणि बॅगचे आणि रेनकोटचा रिपेअरचे काम केल्या जातात व या दुकानाच्या याच्यावर माझं संपूर्ण घर चालत आहे आणि माझ्या मुलांना मी चांगल्या प्रकारे शिकवून देऊ शकत आहे. वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, चक्के की तरह दौड़ते रहता है. हवा हो चाहे बारिश, धूप हो चाहे ठंड, चलना उसका नाम जिंदगी है. जो उसके साथ दौड़ता है वो ही मंजिल पाता है. ये महिला मशीन के चक्के के साथ चलने का प्रयास कर रही है. वे कपड़ों के साथ बैग, रंग बिरंगे कपड़े सिल रही है, किंतु इनके जीने के रंग हवा में उड़ गए हैं. इनके पैरों पर, आंखों पर इस काम का बुरा असर हो रहा है. सिलाई काम मैं 22 साल से कर रही, तो अभी मुझे थोड़े आँख का प्रॉब्लम है, यानी आँखों से कम दिखता है, और पेट का प्रॉब्लम. वैसे बहुत से लोगों को पेट का भी प्रॉब्लम होता है, इसीलिए सिलाई मशीन मैं ज़्यादा चला नहीं पाती. मशीन काम केल्यामुळे माझ्या पायाला आणि डोळ्याला त्रास सुरू आहे. जिसे कोई सहारा नहीं उसे इस धंधे से काफी मदद हुई. मेहनत और लगन से हम जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं. खुद चालक, खुद मालक होने के कारण और मेहनत पर भरोसा होने के कारण व्यक्ति आत्मनिर्भर रहता है. किसी के यहाँ कपड़े बर्तन करने से ये काम लाख गुना अच्छा है. ये स्वाभिमान भरा काम है. किसी के यहाँ कपड़े बर्तन करने से ये काम लाख गुना अच्छा है. ये स्वाभिमान भरा काम है. ये काम 11 वर्ष झाले करत आहे आणि माझ्या मिस्टरांना जाऊन 5 वर्ष झाले. तर त्यांच्या गेल्यानंतर त्यांच्या घराची सर्व जबाबदारी माझ्यावरच आली आहे आणि माझ्या मला त्यांच्या मागे 2 मुले होती. तर त्यांच्या शिक्षणाची जबाबदारी, घरातली जबाबदारी सर्व माझ्यावर आली आणि आता माझा मुलगा 11वीला आहे आणि मुलगी सेकंड इयरला आहे. त्यांचा सर्व खर्च मीच करते आणि ह्या टेलरिंगच्याच कामावर मी सर्व हा खर्च करत आहे. सिलाई का काम ये जितना लगता है उतना आसान नहीं. 10-12 घंटे काम करना कठिन है. अपने मनोरंजन के लिए कारीगर खासकर रेडियो बजाकर अपना दिल बहलाते हैं. ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप. ये जीवन है, इस जीवन का. या कोई पोपट जैसे पंछी पालते हैं. इन कारीगर की अपनी एक खासियत होती है. कोई सूट स्पेशलिस्ट होता है तो कोई जेंट्स स्पेशलिस्ट, कोई महिला स्पेशलिस्ट तो कोई रफू या अल्टर स्पेशलिस्ट. जैसा काम वैसा दाम मिलता है. समझ लो वैसे मैं 8 साल का था तब से मैं ये काम कर रहा हूँ, तो चल रहा है अभी और अपना चल रहा है. अभी पहले अपन टोपे टापरे बनाते थे, अराक फराक बनाते थे. अभी धीरे धीरे लेडीज काम सीखे. अभी आल्ट्रक में भी पूरा अपन ये चल रहा है. रेडीमेड का जमाना आने से क्या हो गया, हमको थोड़ा सा है तकलीफ में पड़ गए. अब आप भी क्या रेडीमेड में भी अभी क्या है, एक से एक पैटर्न आते हैं, वो अपने मशीन पर जमते नहीं है वाले क्या. अपना भी आल्टर में चल रहा है बस.
यह है ज्ञानेश्वर ताकसांडे। रिटायर्ड होने के बाद भी वे अपना स्वतंत्र पूर्ण धंधा कर रहे हैं। ना उम्र की सीमा है, ना शरीर के किसी अंग की। इस काम पर वे अपना परिवार चला रहे हैं। नागपूरला हॉस्टेल मध्ये चौथ्या वर्गापासून शिकत आहे। त्याच्या अगोदर घरी शिकलो आणि त्याच्यानंतर चौथ्या वर्गापासून मी मॅट्रिकपर्यंत हॉस्टेलमध्ये शिकलो। रामदास पेठला जे अपंग बाल विकासगृह संस्था आहे त्यामध्ये मी शिकलो आणि तिथेच असताना मी हे शिवणक्लास सुद्धा शिकलो। शाळा पण तिथेच शिकलो आणि शिवणक्लास शिकलो आणि त्याच्यानंतर मी पुण्याला मला मशीन मिळण्याकरता मी अप्लाय केला आणि पुण्यामध्ये मला मशीन मिळाली। माझी शाळा संपल्यानंतर हे मी समोरचं कार्य केलं, मशीन शिकून मी समाज केल्यानंतर मी मशीन घेतली आणि मी आपला व्यवसाय सुरू केला। 12-13 वर्ष हाच व्यवसाय केला आणि त्याच्यानंतर मला मग मी नोकरीसाठी अप्लाय केला तर मला नोकरी लागली आणि मी आज मला 30 वर्ष झाले की मी 30 वर्षापर्यंत नोकरी केली आणि आता मी रिटायर झालो। मला आज 4 वर्ष होत आहेत तरी पण मला हा या धंद्यामध्ये मला गोडी असल्यामुळे आणि मला खूप इंटरेस्ट असल्यामुळे मी हा धंदा पुन्हा सुरू केला आणि मी आता आपला धंदा व्यवस्थितपणे चालवून आपलं परिवार चालवत आहे। शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है, किंतु शिक्षा का निजीकरण होने के कारण हम अधिकार विहीन हुए। जिनके पास शिक्षा नहीं उसका उद्धार नहीं, इस बात को हमने समझना चाहिए। महंगी शिक्षा होने के कारण युवा शिक्षा पूरी करने के लिए पार्ट टाइम काम की तलाश में हैं। होटल, दुकान, रिक्शा चलाना आदि काम वे कर रहे हैं। युवाओं का ध्यान शिक्षा की जगह काम पर बढ़ रहा है। थोड़ा बहुत पैसा मिलता है किंतु भविष्य के लिए ठीक नहीं। टेलरिंगचं पण काम करते। माझं सध्या एज्युकेशन पण सुरू आहे। मी कमला नेहरू कॉलेजला मी सेकंड इयरला आहे। टेलरिंग काम हे माझे आवड। समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज के प्रति अपना दायित्व निभाने का अवसर ढूंढते हैं। किसी की मदद करना, किसी को काम सिखाना उन्हें अच्छा लगता है। वे केवल दयाभाव से ये काम नहीं करते, वे इस काम को अपना कर्तव्य मानते हैं। काम करते करते अब मेरे को अभी 30 साल का जमाना बीता है। वैसे भी कभी मेरे को कोई मिलता है पढ़ने वाला लड़का या काम करने वाला जिसकी इच्छा है काम करने की, मैं उनको सहयोग करता और अपने पास खुद बिठाल के उसको काम सिखाने का एक मेरा मकसद होता है। अब ये जो लड़का है मेरे पास जब आया है तो इससे अब मेरा ये हो गया 2 साल हो गए। इसका नाम है जितेश बंसल, खंडवा का रहने वाला है। जब ये तो मैंने इसे देखा तो ये दोनों पैर से अभी मेरे को घसीटते हुए दिखा। जब ये तो मैंने इसे देखा तो ये दोनों पैर से अभी मेरे को घसीटते हुए दिखा। पूछा तो क्या करता है, तो कपड़े सिलाता है भाई, कहाँ सिलाता है, ऐसा वैसा मैं पूछताछ किया तो मैंने उसको अपना परिचय देके उसको अपने पास लेके आया। तो अब मेरे पास वो 1.5-2 साल हो गया है। अब शर्ट अच्छे से सिला लेता है लेकिन आगे की कोशिश मैं और उसके लिए करूँगा। ये वास्तव है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जिन्हें अपने आप पर भरोसा है वे कभी हार नहीं मानते। जिंदगी की लड़ाई भी वैसी ही है।
इस लड़ाई में खुद की शूरता दिखाने के चक्कर में हार गए और मैदान छोड़कर भाग गए। किंतु समाज में ऐसे भी व्यक्ति हैं जो पथ दर्शक बनकर खड़े हैं। मैं आज से 5 साल पहले नागपुर में आया था कुछ बनने के लिए। सबसे पहले नागपुर में होम पावर एजेंट एंड हैंडीकैप उठखाना नागपुर हॉस्टल में रहा। वहाँ से मैंने शिक्षण ग्रहण करा, जो टेलरिंग वगैरह, टाइपिंग वगैरह, कंप्यूटर वगैरह सब सीखा मैं। अचानक एक बार मैं शर्ट के लिए मटेरियल लेने आया था, वहाँ पर मुझे अत्यधिक भाव मिली मेरे को, और उन्होंने मुझे कहा कि आप काम सीखोगे क्या? मैंने हाँ बोला, और मैं आज 2-3 साल से इनके यहाँ काम सीखा और आज मैं सड़क अच्छा बना लेता हूँ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने काफ़ी प्रगति की है, तंत्र ज्ञान का हर क्षेत्र के लिए उपयोग हो रहा है, सिलाई का काम भी नए तंत्र ज्ञान से हो रहा है। दुनिया के साथ बदलाव लाना अनिवार्य है। मेरा रेमंड का शोरूम हो गया। हमारे यहाँ रेमंड के फैब्रिक्स, रेडीमेड्स, कुर्ता पैजामा, इंडो वेस्टर्न सारे हम लोग बेचते हैं। किसी कस्टमर को अगर स्टिच करके चाहिए तो वो भी अरेंजमेंट हमारे यहाँ होती है। हमारे यहाँ इसका मेजरमेंट हुआ लिया जाता है, मेजरमेंट लेके उसे जिस हिसाब से उसने उसकी ज़रूरत है उस हिसाब से हम उसका उसकी ज़रूरत समझ के मेजरमेंट लेके उसको हम लोग फिर वर्कशॉप में भेजा जाता है। उसकी ज़रूरत के हिसाब से वो कपड़ा फिर वहाँ हमारे यहाँ स्टिच करना शुरू होता है। हमारे इस शोरूम में 3 टेलर हो गए, तीनों के अपने वर्कशॉप है। हर वर्कशॉप में 20-20 के हिसाब से टोटल 60 वर्कर्स है। हर वर्कर का अपना अपना एक खुद का उसकी जिसमें स्पेशलिटी है उसको वही काम दिया जाता है। यहाँ सूट, ब्लेज़र, ट्राउज़र, पैंट, इंडो वेस्टर्न, कुर्ता, शेरवानी, ये सारी चीज़ें कस्टमर की ज़रूरत के हिसाब से हम लोग स्टिच करके देते हैं। यहाँ हमारा पूरा वर्कर स्टाफ्स है। इसमें कोट मेकर्स हमारे पास में है, हम लोग पैंट मेकर्स हैं, कुछ कटर्स भी हैं हमारे जो कटिंग करते हैं, और हमारे पास में इक्विपमेंट्स पूरे हैं उनके, जैसा ये स्टिचिंग मशीन और फ्यूजिंग मशीन भी है। हमारे जो स्टिचिंग मशीन है इसकी स्पेशलिटी ऐसी है, पहले के ज़मानों में जो पुरानी मशीनें चलती थी तो वो छोटी होती थी, उसमें इनफ स्पेस नहीं मिलती थी। आजकल ये नई मशीन आई है अम्ब्रेला, तो इसमें थोड़ा स्पीड भी ज़्यादा है और इसका स्टिचिंग क्वालिटी भी ज़रा अच्छा आता है, तो हम लोगों ने ज़्यादातर सारी मशीन यही लगाई हुई है। और प्लस फ्यूजिंग मशीन है, ये बहुत ही क्वालिटी वाली चीज़ है, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा सूट्स में अच्छा ये होता है। रेडीमेड कपड़े के कारण इस धंधे पर गहरा असर हो रहा है। युवा इस धंधे में ना के बराबर है। पूंजीपतियों ने शहरों में अपने बड़े बड़े करोड़ों के शोरूम खोले हैं, जिसके कारण कारीगर को अपना घर चलाना मुश्किल हुआ है। पहले मेरे पास 5-6 कारागिर थे, अभी रेडीमेड का क्रेज रहने के कारण मेरा ये कारागिर कम कम होते जा रहे हैं, इसलिए ये रेडीमेड की वजह से घर चलाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मुझे अक्सर रेडीमेड कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी वेराइटीज़ आती है, उसमें डिज़ाइंस आते हैं, उसमें एम्ब्रॉयडरी वर्क्स वगैरह बहुत अच्छे आते हैं, तो मैं ज़्यादा उसको प्रेफर करना चाहता हूँ, और उसमें बहुत टाइम भी ज़्यादा स्पेंड नहीं होता है, तो मुझे और आजकल वही फैशन है। रेडीमेड कपड़ों में नई नई फैशन, नई नई वेरिएशन होते हैं। अगर वही मैं सिलाने जाऊँ तो रेडीमेड कपड़े में जो मिलता है वो सिलाई में नहीं मिलेगा। आजकल जो युवा जनरेशन में क्रेज़ है वो पहनने को मिलता है, रेडीमेड इजीली अवेलेबल होता है, और अपन ऐसे सिलाने जाते हैं तो बहुत टाइम जाता है। रेडीमेड कपड़ों में हमें सबसे ज़्यादा स्टाइलिंग मिलती है, और सेकेंडली बात आती है पैसों की, सो पैसे भी कम खर्च करने पड़ते हैं रेडीमेड कपड़े लेने के लिए, क्योंकि अगर हम कपड़ा लेते हैं तो उसमें हमें टेलर को अलग से पैसे देने पड़ते हैं उसे सिलाने के लिए, और सेकेंडली हमें अपने हिसाब की स्टाइलिंग नहीं मिलती है, क्योंकि वो अपने टेलर अपने हिसाब से कपड़े सिलते हैं, और मोस्टली फैशन का जो ट्रेंड चल रहा है हमें फिल्मी सुपरस्टार्स जैसे कपड़े मिलते हैं। जो मेन चीज़ आती है टाइम, आज टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें रेडीमेड कपड़े बहुत जल्दी मिल जाते हैं, पर अगर हम कपड़े सिलाने डालते हैं तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है उसमें। दिन भर काम करते हैं, थकान मिटाने की ज़रूरत महसूस करते हैं,
जिस गादी पर हम सोते हैं, क्या गादी बनाने वाले को हम याद करते हैं? कतई नहीं। अब गादी केवल मिडिल क्लास के लोग ही इस्तेमाल करते हैं। कुशन वर्क्स के कारण इनका धंधा भी चौपट हुआ है। मैं 25 साल से गादी का धंधा कर रहा हूँ। मशीन के भरोसे मेरा काम है, बिना मशीन के ये काम हो ही नहीं सकता है। अगर ये मशीन के भरोसे ही मेरा पूरा परिवार पल रहा है। मशीन पर काम करना अब इन कारीगरों की मजबूरी बन गई है। जीवन यापन कराने वाला ये धंधा फैशन रेडीमेड गारमेंट्स के कारण पूरी तरह बंद होने के कगार पर है। सरकार ने इनके बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। अस्थमा दमा जैसी बीमारी पर मुफ्त में इलाज कराना चाहिए। धंधे को बढ़ावा देने के लिए ऋण का प्रावधान होना चाहिए।